दुनिया भर में मशहूर पिहोवा तीर्थ हिंदू सिख एकता का प्रमाण है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं व अपने पितरों का पिंडदान भी यहीं करते हैं, जिस कारण इस तीर्थ का हर समय मेले का माहौल बना रहता है। आजकल पिहोवा तीर्थ पर श्रादों की पूजा चल रही है। पूरे भारत से लोग यहाँ अपने पितरों को पिंडदान करवाने के लिए पहुँच रहे हैं। उत्तरी भारत में हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और खासकर पंजाब के मालवा इलाके के सिखों की आस्था इस तीर्थ से जुड़ी हुई है, जिस कारण हिंदू सिख एकता देखने को मिलती है। श्रद्धालु पिहोवा तीर्थ पर पहुंचकर सरस्वती सरोवर में स्नान करते हैं। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए सरस्वती पर मौजूद पंडितों से पिंडदान करवाते हैं। वैसे तो सरस्वती तीर्थ पर पूरा साल पिंडदान की प्रक्रिया चलती है, परंतु इस समय श्राद्ध होने के कारण यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं मिलती। सरस्वती तीर्थ के साथ एक भव्य गुरुद्वारा भी है, जहाँ पर तीन गुरु साहबान आए हैं और दोनों धार्मिक स्थान एक साथ होने के कारण धार्मिक आस्था और भी बढ़ जाती है। पिहोवा तीर्थ में एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर कार्तिकेय का मंदिर है, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक ही है। वह मंदिर में औरतों के जाने पर सख्त पाबंदी है। इस कार्तिकेय मंदिर में पुराने जमाने से ही तेल चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है और आज भी उसी तरह प्रचलित है। पिहोवा तीर्थ एक बड़ा तीर्थ होने पर भी यहाँ पर प्रशासन एक तीर्थ के रखरखाव में कोई ज्यादा काम नहीं कर रहा, जिस कारण इस पवित्र तीर्थ में हमेशा गंदगी भरी रहती है। इसलिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं इस गंदगी के कारण बहुत निराश हैं। अनेकों बार यहाँ के स्थानीय लोगों व ब्राह्मणों समाज के प्रशासन व सरकार के आगे इसके रखरखाव की गुहार लगाई है, परंतु इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं का इस तीर्थ से मोह भंग हो रहा है, जो कि आस्था के तौर पर पिहोवा तीर्थ के लिए अच्छा नहीं है। पंडित जी, सरस्वती के महत्व के बारे में बताइए। देखिए, ये जो हमारा सरस्वती नदी है, हम इसको पिहोवा शहर कहते हैं, लेकिन असल में शास्त्रों में हम इसको पृथुदक से नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के 18 अवतार हुए हैं। जो नौवां अवतार था, तब उन्होंने पृथु के रूप में जन्म लिया था, एक बच्चे के रूप में यशस्वी राजा बना बाद में। वो उन्होंने इस तीर्थ की स्थापना की थी। उसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए यहाँ पे जल दिया, जिसको उदक कहा गया है। तो दोनों शब्द जुड़ने से इसका असली नाम पृथुदक हो गया, जो कि वामन पुराण में, ब्रह्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, सब के अंदर इसका वर्णन आता है। आज के समय में लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। अब जैसे कि अश्विन मास चल रहा है, इस पक्ष में ये 15 दिन जो होते हैं, ब्रह्म पुराण से, ब्रह्म पुराण के अनुसार कहा गया कि 15 दिन के लिए सभी के पितृगण स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाते हैं, और जो लोग अपने पितरों के लिए कार्य करते हैं, ये निश्चित रूप से वो प्राप्त करके उनको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और आज जैसे कल यहाँ पर अमावस्या है, तो लाखों की संख्या में लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पर आएंगे और अपने पूर्वजों के लिए पितृदान, पिंडदान, तर्पण इत्यादि कार्य यहाँ पर करेंगे। ये कार्य करने से उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं, उनको आशीर्वाद दे करके अपने अपने लोग को लौट जाते हैं। यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर मुख्य उत्तरी भारत से, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का इलाका, राजस्थान का इलाका, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो श्रद्धापूर्ण यहाँ से मतलब बिल्कुल सभी लोग अपनी आस्था लेकर के आते हैं। जिन जिनको इन तीर्थों का नहीं पता है, सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के द्वारा उनको पता चल जाता है, उसके द्वारा फिर यहाँ पे वो दूर दूर से पहुँचते हैं और शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार, विधान के अनुसार अपने अपने पूर्वजों के लिए कार्य करवाते हैं और आशीर्वाद पाते हैं।